नेक्स्ट इज मिसलेनियस सीक्वेंस. इसके अंदर टाइप वन है, अगर हमारे पास कंटिन्यूस नेचुरल नंबर लिखा है 1+2+3+4+5 up to n तक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन r, r की वैल्यू 1 to n. और इसका समेशन का फॉर्मूला होता है n+1/2. इसी प्रकार सेकेंड होता है 1² + 2² + 3² + 4² up to n² इसको हम लोग समीशन के फॉर्म में लिखेंगे r² वेयर r इज इक्वल टू 1 to n. और इस समीशन का फॉर्मूला होगा n+1 2n+1/6. नेक्स्ट होगा 1³ + 2³ + 3³ + 4³ up to n³. और इसको हम लोग लिख सकते हैं समीशन r³ r=1 to n. और इसका फॉर्मूला होगा n+1/2 इस पूरे का स्क्वायर. इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, नोट लगा के लिखते हैं. अगर हमारे पास कोई सीरीज इस प्रकार से लिखा है समेशन r=1 to n ar+-br, तो इसको हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं समेशन r=1 to n ar+-r=1 to n br. सेकेंड समीशन r=1 to n k कोई कांस्टेंट है उसको ar से मल्टीप्लाई किया, तो कांस्टेंट को हम लोग समीशन के बाहर भी रख सकते हैं r=1 to n ar. नेक्स्ट अगर हमारे पास ऐसे लिखा है समीशन r=1 to n केवल कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देंगे, यहां हो जाएगा समीशन r=1 to n और वन रहेगा केवल कांस्टेंट, n टाइम्स यानी 1 n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो k 1+1+1+up to n terms n टर्म्स तक लिखना है, तो 1 को n टर्म्स तक ऐड करेंगे तो k मल्टीप्लाई बाय n होगा. तो इसके कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग. फाइंड समीशन r=1 to n 3r² - 2r+1 3r² - 2r+1. तो कैसे करेंगे, इसको अलग अलग समेशन में ब्रेक कर सकते हैं, 3 बाहर समेशन r=1 to n r² - 2 बाहर समेशन r=1 to n केवल r प्लस समेशन r=1 to n केवल 1. अब समेशन r² का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर लिखा है, समेशन r का भी फॉर्मूला लिखा है, ये समेशन r है, ये समेशन r² है, ये सब फॉर्मूला यूज करना है. तो समेशन r² के लिए हम लोग लिखे थे n+1 2n+1/6-2. समीशन r के लिए लिखेंगे n+1/2 + 1 के लिए लिखेंगे 1 n टाइम्स ऐड होगा केवल n.
अब ये 3 और 6 कैंसिल आउट होगा तो नीचे 2 आएगा, ये भी 2 कैंसिल आउट होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग n को बाहर ले सकते हैं, n अगर बाहर होगा तो n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस केवल n प्लस 1 प्लस n भी बाहर हो गया तो केवल 1। अब यहां से क्या आएगा, n n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस n 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, n 2 का एलसीएम होगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 माइनस 2n, तो 2n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, n बाय 2 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, दिस इज फाइनल आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, फाइंड समेशन r इक्वल टू 1 टू n 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू r क्यूब अपॉन r r प्लस 1। इस पूरे का समेशन लेना है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर में जो लिखा है 1 क्यूब से लेकर r क्यूब तक, तो r क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो ये समीशन बाहर r इक्वल टू 1 टू n, इसका फॉर्मूला होता था n n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, यहाँ r तक है तो r r प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r r प्लस 1। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर r प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 r r प्लस 1। तो यहां से क्या बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r कैंसिल होगा, एक r प्लस 1 भी कैंसिल होगा, 1 बाय 4 को बिल्कुल बाहर कर लेंगे, 1 बाय 4 बिल्कुल बाहर होगा, समेशन r इक्वल टू 1 टू n r r प्लस 1। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाय 4 बाहर, समेशन r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर प्लस समेशन r इक्वल टू 1 टू n r। अब दोनों का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या होगा फॉर्मूला, 1 बाय 4 समीशन आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6, समीशन r का फॉर्मूला होता है n n प्लस 1 अपॉन 2, n n प्लस 1 बाय 2 को बाहर ले लेते हैं, n n प्लस 1 बाय 2 इंटू 4 पहले से बाहर है तो 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो यहां से आएगा n n प्लस 1 अपॉन 8 टू एन प्लस 4 अपॉन 3, एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 2 अपॉन 8 इंटू 3, और 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपॉन 12, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे इसमें हम लोग, Compute the values of summation I equal to 1 to n, summation J equal to 1 to I,
समेशन के इक्वल टू वन टू जे वन। अब इसका मतलब क्या होगा, अंदर वाले समेशन का मतलब क्या होगा, वन जे टाइम्स तक लिखा हुआ है, वन प्लस वन प्लस वन अप टू जे, क्योंकि यहां पर जे लिखा हुआ है, तो वन जे टाइम्स तक जाएगा, उसको ऐड करेंगे वन प्लस वन प्लस वन जे टाइम तक, तो आंसर आएगा जे। तो ये तीनों समेशन दो समेशन में फिर कन्वर्ट हो जाएगा, आई इक्वल टू वन टू एन समेशन जे इक्वल टू वन टू आई केवल जे। अब जे की वैल्यू इसमें वन टू थ्री अप टू आई तक रखनी है। ये जो समेशन लिखा है, इस समेशन का मतलब क्या होगा, मैं लिख के बताता हूं। ये बाहर वाला समेशन एज इट इज, जे के जगह पहले वन रखेंगे, फिर टू रखेंगे, फिर थ्री रखेंगे, फिर फोर रखेंगे, अप टू आई तक रखेंगे, और वन टू थ्री फोर आई तक का सम क्या होगा, ये समेशन एज इट इज बाहर आई इक्वल टू वन टू एन, इसका सम होगा आई आई प्लस वन अपॉन टू, आई आई प्लस वन अपॉन टू। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाय टू को बाहर, समेशन आई इक्वल टू वन टू एन आई स्क्वायर प्लस समेशन आई इक्वल टू वन टू एन केवल आई, इन दोनों का सम लेने का है। तो आई की वैल्यू है वन से लेके एन तक, आई स्क्वायर है, तो वो समेशन आर स्क्वायर का ही फॉर्म हो गया है, आर की जगह यहाँ आई लिखा हुआ है, तो एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस एन एन प्लस वन अपॉन टू, एन एन प्लस वन अपॉन टू को बाहर ले लेते हैं हम लोग, एन एन प्लस वन अपॉन टू बाहर, टू एन प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन, तो एन एन प्लस वन अपॉन फोर, यहाँ से आएगा टू एन प्लस फोर अपॉन थ्री, तो ये बन जाएगा एन एन प्लस वन टू बाहर एन प्लस टू अपॉन ट्वेल्व। तो ये इसको सॉल्व करेंगे टू और ट्वेल्व को, एन एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन सिक्स, ये फाइनल आंसर होगा। इसमें और भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी करते हैं हम लोग। कंप्यूट द सम थर्टी वन का स्क्वायर प्लस थर्टी टू का स्क्वायर प्लस थर्टी थ्री का स्क्वायर अप टू फिफ्टी का स्क्वायर, इनका सम निकालना है हमें। तो इनके सम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस थर्टी स्क्वायर प्लस थर्टी वन स्क्वायर प्लस थर्टी टू स्क्वायर अप टू फिफ्टी स्क्वायर तक इसको लिखा। इसमें वन स्क्वायर से लेके थर्टी स्क्वायर तक ऐड कर दिया है, और फिर वन स्क्वायर से लेकर थर्टी स्क्वायर तक सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। इस प्रकार से सेम क्वांटिटी को हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड किया है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया इसको, तो हमारा जो ओरिजिनल सीरीज था वही आ जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, ये पूरा वन से लेकर फिफ्टी तक का स्क्वायर का सम आ गया, वन से लेकर फिफ्टी स्क्वायर, ये पूरा जो है फिफ्टी तक का स्क्वायर, वन से लेकर फिफ्टी तक का, इस तरह बन गया ये समेशन आर स्क्वायर आर इक्वल टू वन से लेकर फिफ्टी माइनस ये वाला जो सीरीज है थर्टी तक बन गया समीशन आर स्क्वायर आर इक्वल टू वन से लेकर थर्टी। तो समीशन आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, उसमें एन के जगह फिफ्टी रख देंगे, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन
6 माइनस n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, इस प्रकार से लिख दिया इसको। अब इसमें से कुछ कॉमन आएगा, वो कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 6 को कॉमन ले लेते हैं और 10 को भी कॉमन ले लेते हैं। तो 10 बाय 6 कॉमन लिया, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 101 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 31 इंटू 61, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर से 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आएगा तो 5 17 101 माइनस 31 इंटू 61, फिर क्या बनेगा, बाहर 5 बन जाएगा और 5 इंटू 17 इंटू 101 ये 85, 85 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8585 माइनस 31 इंटू 61 ये आएगा 1981। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6694 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 33470 ये आंसर आ गया। हमारे पास 31 से स्टार्ट था और 50 तक था, तो हमने 1 से 30 तक उसमें ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। क्यों ऐड किया और क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि हमारा सीरीज 1 से स्टार्ट हो गया दोनों सीरीज। इसका एक और भी तरीका है, वो भी कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास 31 से स्टार्ट है और 50 तक जा रहा है, तो इस सीरीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, समेशन R इक्वल टू 1 से लेकर 20 R प्लस 30 का स्क्वायर। R की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 31 का स्क्वायर, 2 रखेंगे तो 32 का स्क्वायर आ जाएगा, 20 रखेंगे तो 50 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस पूरे जो ऊपर सीरीज गिवन था उसको हम लोग R प्लस 30 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग इसको ओपन करते हैं, R इक्वल टू 1 से लेकर 20 R स्क्वायर प्लस 60R प्लस 900, ऐसे लिख सकते हैं। अब अलग अलग कर देते हैं इसको हम लोग, तो अलग अलग करेंगे तो समेशन R इक्वल टू 1 से 20 R स्क्वायर 60 बाहर, R इक्वल टू 1 से लेकर 20 R प्लस 900 बाहर, समेशन R इक्वल टू 1 से 20 केवल 1, तो क्या बन जाएगा ये, n के जगह इसमें 20 रखेंगे, n n प्लस 1 2 n प्लस 1 अपॉन 6, तो 20 n प्लस 1 2 n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 60 n n प्लस 1 बाय 2 n n प्लस 1 बाय 2 प्लस 900, और इन सब को भी अगर हम लोग ऐड करेंगे तो सेम आंसर आएगा 33470। ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग इसमें, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 and so on। तो इसका आरएथ टर्म जो है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, R इक्वल टू 1 से लेकर n R R प्लस 1 R प्लस 2। अगर R की जगह 1 पुट करते हैं फर्स्ट टर्म आएगा, 2 पुट करेंगे सेकेंड टर्म आएगा, 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म आएगा, n पुट करेंगे nth टर्म आएगा, और दिस इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स। अब R R प्लस 1 R प्लस 2 को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कुछ इस तरह बनेगा,
आर बाहर, आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस आर थ्री आर प्लस टू, इसको और ओपन करते हैं, समीशन आर इक्वल टू वन टू एन आर क्यूब प्लस थ्री आर स्क्वायर प्लस टू आर, अलग अलग ब्रेक करके लिखते हैं तो एस एन इक्वल टू समीशन आर क्यूब आर इक्वल टू वन टू एन प्लस थ्री बाहर समीशन आर इक्वल टू वन टू एन आर स्क्वायर प्लस टू बाहर समीशन आर इक्वल टू वन टू एन केवल आर। अब सबका हमें सीरीज का फॉर्मूला पता है, एन एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, स्टार्टिंग में पढ़ चुके हम लोग ये, थ्री एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस टू एन एन प्लस वन अपॉन टू, एन एन प्लस वन अपॉन टू को बाहर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, एन एन प्लस वन अपॉन टू इसको बाहर कॉमन ले लिया तो एन एन प्लस वन अपॉन टू प्लस टू एन प्लस वन प्लस केवल टू ये आ जाएगा। तो यहाँ से एन एन प्लस वन अपॉन टू ये बाहर रहेगा, अंदर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस फोर एन प्लस टू प्लस फोर, तो ये क्या बन जाएगा, एन एन प्लस वन अपॉन टू बाहर, एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस सिक्स अपॉन टू, और एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस सिक्स को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग फैक्टर में, एन प्लस टू एन प्लस थ्री अपॉन टू इंटू टू फोर, ये आंसर।